हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे रे? लॉगरिथमिक का तीसरा यूनिट पढ़ रहे। पहला यूनिट इनइक्वालिटीज हो चुका है, 18 लेक्चर अपलोड हो गए। दूसरा लेक्चर मॉड्यूल, दूसरा यूनिट मॉड्यूलस, 31 लेक्चर हो गए। ये तीसरा यूनिट जो लॉगरिथमिक चल रहा है, इसका 37th वीडियो इज गोइंग ऑन। हम डिटेल में टॉपिक ले रहे, ऐसा थोड़ा बहुत लेके छोड़ नहीं दे रहे। और ये पूरे यूनिट्स JEE मेन के हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। माना घर बैठे बैठे JEE मेन का कंसेप्चुअली अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। 2-3 किताबें लेना साथ साथ। अरे साथ साथ पाठक के वीडियो देखते जाना, मजा कुछ और आएगा। सो देखो, अपने को दो लॉग है। ये लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट है, ये लॉग के लिए, ये लॉग के लिए ये आर्ग्यूमेंट है। फाइनली आर्ग्यूमेंट क्या आ रहा है? x² + x + 5 > 0 है। अरे हाँ ना, डोमेन इज x² + x + 5 > 0। सो x² + x + 5 > 0 ये सेटिस्फाइज ऑल वैल्यूज ऑफ x। क्या हो रहा है? इट सेटिस्फाइज ऑल वैल्यूज ऑफ x। कोई बोला सर इसका डोमेन निकाल के बताओ ना। ठीक है, निकाल के बताएंगे, कोई ऑब्जेक्शन। सो देर आर टू लॉगरिथमिक्स। सो अंदर वाले का आर्ग्यूमेंट ये हो जाएगा, अंडर रूट x² + 5 + x > 0। कोई बोला ये लॉग ले लो, तो ये आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, एंड लॉग ऑफ अंडर रूट टू द बेस 5 > 0। इसका स्क्वेयरिंग करेंगे, x² + x + 5 > 0। भाई 0 का स्क्वेयर 0 तो होता है, ठीक। इसमें कौन सा भी वैल्यू पुट करो, देयर इज नो रियल रूट। क्या बोला? देयर इज नो रियल रूट। सो डोमेन इज x belonging to R, and ये 5 है, 5 x से बड़ा है, so inequality बदलेगा नहीं। x² + 5 + x > 5 raised to 0। 5 raised to 0 क्या होगा रे? 1 होगा। निकाल दो, ये आएगा x² + 5 + x > उसको बोला इधर आ जा, x² + x + 4 > 0। इसका भी डोमेन क्या आ गया रे? डोमेन इज x belonging to R बोले तो −∞ to ∞ इंक्लूडिंग 0, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। चल ठीक है, सो डोमेन क्या आ गया? डोमेन इज x belonging to R, ठीक है। डोमेन का कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ डोमेन आ सकता है। मिटा दूँ? मिटा देते हैं। सो हमें डोमेन मिला। डोमेन के बाद क्या करे रे? इनइक्वालिटी डिपेंड करता है। इनइक्वालिटी किस पे डिपेंड करता है रे? दिस इज 0.9 < 1। लेस देन वन है तो इनइक्वालिटी चेंजेस। बोलो क्या आ गया? 0 इज ग्रेटर देन
अंडर रूट टू द बेस 5 लेस देन 1. सो लॉज ऑफ इनइक्वालिटी में लिखवा दिया है. जरा बड़े, अरे बड़े प्यार से देखना, ये 5 को बोला इधर जा, इधर भी गया, क्योंकि ये पावर होता है, ये बेस होता है, ये नंबर होता है. कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल. सो ये हो गया 5 raised to 0 अंडर रूट 5 raised to 1. सो इसका डोमेन तो आ गया है. इसका डोमेन क्या आ गया है रे? डोमेन इज रियल लाइन वेरिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो अपने को क्या मिला रे? 1 less than under root x² + x + 5 less than 5. एक आदमी के साथ दो झगड़ा करे ना इंसाफी है, एक के साथ एक ही झगड़ा करे मजा कुछ और आता है. तो देखो एक इक्वेशन में दो इनइक्वालिटीज नॉट अलाउड. क्या बोला? एक इक्वेशन में दो इनइक्वालिटीज नॉट अलाउड. एक में एक ही होना चाहिए. सो क्या करेंगे रे? देखो इसको ब्रेक करेंगे हम. x² + x + 5. देखो स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा तो स्क्वेरिंग करेंगे रे. स्क्वेरिंग 1 less than x² + x + 4. 4 नहीं 5. एंड x² + x + 5 less than 25. ठीक है, ये एक को बोला उधर जा, 5 - 1 = 4. नाउ 0 is less than. लेस देन में मज़ा नहीं आता है, ग्रेटर देन देखने में मज़ा आता है. और देखो इट वॉज नथिंग बट आर डोमेन फॉर द वन लॉगरिथम. सो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज एक्स बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि इसके रियल रूट तो है नहीं. एक्स का कौन सा भी वैल्यू पुट करो, क्या बोला? कौन सा भी वैल्यू पुट करो ये सेटिस्फाई होता. ये 25 को बोला आ जा, क्या बोला रे? आ जा. +5 - 25 x² + x - 20. इसके फैक्टर पढ़ेंगे रे. प्रोडक्ट इज लास्ट टर्म, एडिशन इज मिडल टर्म. सो क्या आया रे? x + 5 x - 4 less than 0. व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? -5, 4 दोनों भी होलो सर्कल होंगे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव. सो निगेटिव एक्स बिलोंगिंग टू -5, 4. सो ये ओपन इंटरवल क्यों आया? अरे ये ओपन इंटरवल क्यों आया? लेस देन जीरो है. अगेन क्या आया रे? इनइक्वालिटी. सो इसके बाद हम जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे एवरी टॉपिक कंटेंस इनइक्वालिटीज. इसीलिए हम बार बार बोलते इनइक्वालिटीज के 18 लेक्चर्स देखो, मजा आएगा. क्या आएगा? मजा आएगा. ठीक है ना? क्या आ गया अभी बोलो? व्हाट इज डोमेन रे? डोमेन इज
x belonging to R, and solution is x belonging to minus 5 to 4. ठीक है, नाउ बोलो व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन दीदी एंड दादा, बोलो रे। फाइनल सॉल्यूशन इज, फाइनल सॉल्यूशन इज इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन एंड सॉल्यूशन। सो देयरफॉर x belonging to open interval minus 5 to 4, is it the solution? अरे is it the solution? नहीं, हमें क्या पूछा है, number of integers, therefore number of integers are देखो है minus 4 to माइनस फाइव टू फोर के बीच में है, माइनस फाइव इज एक्सक्लूडेड, फोर इज एक्सक्लूडेड, दैट इज माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री, दीज आर द इंटीजर्स फ्रॉम माइनस फाइव टू फोर, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, सो देयर आर एट इंटीजर्स एंड आंसर इक्वल टू ऑप्शन सी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, दो दो लॉग, ऐसे प्रॉब्लम शायद शुरुआती में मैंने लिए थे बराबर, लेकिन वो क्या था, इक्वालिटी में था, ये इनइक्वालिटी में, ठीक है, क्या वो भी इनइक्वालिटी में थे मुझे याद नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी वन माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस फोर डिवाइडेड बाय वन माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू ग्रेट लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहले देखते लॉग का बेस सेम टू सेम है क्या, अरे अरे है नहीं है, बड़ा कौन है चार, छोटा कौन है दो, जनरली जनरली बड़े को छोटे में लिखा जाता है, क्या बोला, जनरली बड़े को छोटे में लिखा जाता है, ठीक है। नाउ देखो दैट इज लॉग ऑफ एक्स टू द बेस फोर, फोर इज नथिंग बट टू स्क्वायर, ये बन गया वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू, कौन सा फॉर्मूला लगाया रे, सुन सुन के बुड्ढे हो गए रे, तो भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, लॉग के बेस का पावर है तो उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, नो गिवन दैट वन माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस फोर, वन माइनस वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू डिवाइडेड बाय वन माइनस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस टू लेस देन और इक्वल टू वन बाय टू। अभी डोमेन में देखा जाए तो क्या होगा, नाउ डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो हमने इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि जीरो इंक्लूड किया तो लॉग ऑफ जीरो माइनस इन्फिनिटी होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लॉग जीरो, लॉग ऑफ जीरो का वैल्यू चाहे तो कहीं भी आप लिख के रख सकते हैं, लॉग ऑफ जीरो टू द बेस ए इज़ माइनस इन्फिनिटी।
where a greater than 0 and a is not equal to 1. ये तो लॉगरिथमिक का कंडीशन ही होता है, बेस 1 नहीं होना चाहिए और बेस निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, बेस मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, मिटा दूँ, मिटा देता हूँ ना. हमने बोला था ऐसे प्रॉब्लम्स हमने बहुत सारे आपको सॉल्व करके दिए हैं. कैसे सॉल्व करके दिए थे रे? नाउ लेट y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2. अपने पास क्या है रे? 1 माइनस 1 बाय 2 लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2. ये आया 1 माइनस 1 बाय 2 वाई अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 बाय 2. सो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैं यहां क्या करा देता हूं, यू कैन मल्टीप्लाई एनी टाइप ऑफ इनइक्वालिटी बाय कांस्टेंट और डिवाइड बाय कांस्टेंट. इट इज द लॉज ऑफ इनइक्वालिटी. सो कोई बोला सर अपने को एलसीएम लेना है, एलसीएम ले ले. 2 माइनस वाई अपॉन 2, 2 नीचे आएगा, इधर का 2 उधर का 2 चला जाएगा. ऐसे किया तो भी चलेगा, मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा. मल्टीप्लाई बाय 2 और बाय टेकिंग एलसीएम, दोनों भी बात करके बताता हूँ. 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई मल्टीप्लाई किया और 2 माइनस वाई अपॉन 2 इंटू 1 माइनस वाई, इधर का 2 कट गया, दोनों सेम टू सेम आ गए. क्या आ गए? सेम टू सेम आ गए. अरे हाँ ना, यस. सो क्या आ गया? सो इट इज 2 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0. हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है. ये क्या आया रे? 2 माइनस वाई कहाँ गड़बड़ हो गए क्या? 1 बाई 2 वाई 1 माइनस वाई. देखो भाई जरा, प्रॉब्लम में हमने गड़बड़ करा दिया था. ये था डिवीजन में 1 प्लस, क्या था रे? प्लस. हमने गलती से माइनस लिया, ये भी हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस, ये हो गया 1 प्लस, ब्रैकेट चला गया 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस, ये आ गया 1 प्लस वाई माइनस 1 माइनस वाई, डिवीजन में आया 1 प्लस वाई. और हमने y का वैल्यू क्या ले लिया रे? y इधर लिखा हुआ है, log ऑफ x टू द बेस 1 बाय 2. सो अरे सो क्या किया जाए, इसको बड़े प्यार से लिख दिया जाए. सो मिटा दूँ, मिटा देते हैं. ये आया 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 वाई अपॉन 1 प्लस वाई. वाई का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. सो मल्टीप्लाई बाय माइनस इनइक्वालिटी
चेंजेस। सो ये क्या हुआ रे, बोलो बोलो ये क्या हुआ रे, 2y-1/y+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बोलो व्हाट आर जीरो, जीरो इज y इक्वल टू 1/2, पोल इज y इक्वल टू -1, अकॉर्डिंगली क्रिटिकल पॉइंट्स -1, 1/2। रियल लाइन पे ड्रा करते, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। सो ये तो हमारा पोल है, पोल को हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। सो ये होगा होलो सर्कल, ये होगा डार्क सर्कल, इसीलिए हम बार बार बोल रहे, क्या बोल रहे रे, क्या बोल रहे रे, बोलो इनइक्वालिटी टॉपिक देखो, क्योंकि यदि ये डार्क सर्कल, होलो सर्कल, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट में गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम की वाट लग गई, ठीक है। सो जे डबल ई मेन का सिलेबस बहुत अच्छी तरह से फ्रेम किया है, कैसा किया है, अच्छी तरह से फ्रेम किया है। सो नाउ क्या होगा रे, वी गॉट टू सॉल्यूशंस, एक तो y इज लेस देन -1 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2, ये दो सॉल्यूशन होंगे। बोले तो इसका इंटरसेक्शन होगा, हमें x का वैल्यू निकालना है, बट वी नो y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस 2, दिस इज log ऑफ x टू द बेस 2 लेस देन -1 और log ऑफ x टू द बेस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। ये बेस है, ये बेस है, ये पावर है, जब लेस देन आता है तो हम ये जीरो के लेस देन, जीरो से बड़ा। सो ये होगा 2^0, 1 इसमें हम यही लेंगे। सो y लेस देन 1 हमारा आया है ना, तो y का वैल्यू पुट किया, x लेस देन 2^-1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2^1/2, x लेस देन 1/2, बट व्हाट इज बट, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ यदि हम जीरो ग्रेटर देन लेते थे तो ये उल्टा हो जाता था, 1 x 1/2 होता था। तो ठीक है, यहाँ डोमेन है x ग्रेटर देन 0, बट इट इज लेस देन 1/2, देयरफॉर 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1/2, नो इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1/2 में कोई इंटीग्रल वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है। वी वांट स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू, जब इंटीग्रल वैल्यू ही नहीं आ रहा तो स्मॉलेस्ट ग्रेटर का सवाल ही नहीं आता। सो ये क्या हुआ रे, एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू √2। आपको मालूम है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √2 रे, √2 का वैल्यू है 1.4, 1.4 से बड़े इन्फिनिटी वैल्यूज है। सो एक्स बिलोंगिंग टू √2 टू इन्फिनिटी, और हमें क्या पूछा, सो डोमेन क्या है रे, एंड डोमेन इज एक्स ग्रेटर देन 0। सो बोल व्हाट इज फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन इज इन
intersection of domain and solution, that is x belonging to root 2 to infinity, that is x belonging to 1.4 to infinity. इसमें infinite numbers है. हमें क्या पूछा था रे? Smallest integral value of x. बोलो बोलो, smallest integral value क्या है? 1.4 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद आते रहेंगे. Smallest integral value of x equal to 2. And bolo, what is the answer? Answer is option B. समझ में आया? बड़ा प्यारा क्वेश्चन था. हमने शुरुआती में यहाँ 1- लेने के कारण जरा प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आया था. सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, यू गो थ्रू द इनइक्वालिटीज, यू गो थ्रू द मॉड्यूलस. इसके बाद हम इसके और 4-5 एक 2-3 वीडियो बनाएंगे, उसमें मॉड्यूलस के प्रॉब्लम लेके करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस भी तो आता है ना. सो यदि मॉड्यूलस लिया तो वो किसका प्रॉब्लम होगा? लॉग मॉड्यूलस एंड इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम होगा. ठीक है. सो बचे हुए प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं. तब तक के लिए आयुष, थैंक्स.